मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं रियाज लेक्चर स्किल। दोस्तों, हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस को अपलोड किया हुआ है, जिन्हें आप दोस्तों ने काफी पसंद भी किया। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि सोलर पैनल की जो बेसिक अकसाम है वो कितनी होती है और इनके क्या क्या फायदे हैं। इसके अलावा आप दोस्तों को ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा जो है वो पैनल अपने घर ले के लिए परचेज करना चाहिए। अगर आप वतन अजीज पाकिस्तान में रहते हैं तो आपके लिए कौन सा सोलर पैनल बेस्ट रहेगा। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा की तरह हम आपसे यही जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और इसको एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको जो है पूरा मेथड समझ आ सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिजली बनाने वाले सोलर पैनल को पीवी यानी कि फोटोवोल्टिक पैनल कहा जाता है। सोलर पैनल दरअसल सोलर सेल का एक ऐसा मजमुआ होता है जिसमें मुतादर सोलर सेल जोड़कर एक सोलर पैनल तैयार किया जाता है। सोलर पैनल की जो अमूमन लाइफ होती है वो 20 से 25 साल तक होती है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि 25 साल के बाद सोलर पैनल काम करना छोड़ देता है, बल्कि इसकी जो कारकर्दगी होती है, एफिशंसी होती है, वो कुछ हद तक जो है कम हो जाती है। सोलर सेल की बुनियादी तौर पर तीन अकसाम हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल, दूसरे नंबर पर आता है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल और तीसरे नंबर पर जो है वो फिल्म सोलर पैनल आता है। सबसे पहले बात करते हैं मोनोक्रिस्टलाइन की। सोलर पैनल की जैसा कि ये नाम से भी जाहिर है कि इसका एक सेल सिलिकॉन के क्रिस्टल से तैयार किया जाता है। ये सेल अमूमन काले रंग के होते हैं, थोड़ी रोशनी में भी काम करते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल अपने ऊपर पड़ने वाली रोशनी का तकरीबन 81% जज्ब करके इनसे बिजली बनाने की सलाहियत रखता है। यही वजह है कि यह सोलर पैनल काफी महंगा होता है और सबसे मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल में गर्मी की शिदत बर्दाश्त करने की ताकत कम होती है और आमतौर पर यह तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी मुकम्मल कारकर्दगी आपको दिखा सकता है। दर्जा हरारत की यह पैमाइश हर सोलर पैनल के लिए मुख्तलिफ हो सकती है और सोलर पैनल पर NOC यानी नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर की सूरत में लिखी होती है। यहाँ पर एक चीज बताता चलूं कि मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के कुछ सेल अगर ज्यादा धूप में पड़े हों और कुछ सेल जो है वो साय वाली जगह में पड़े हों तो पैनल की लाइफ मुतासिर हो सकती है। सोलर सेल जल्दी खराब होने का अंदेशा होता है, यानी एक वक्त में या तो सोलर पैनल के तमाम सेल ये रोशनी में हों या सारे जो है इसके ऊपर अंधेरा होना चाहिए। बात करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की। जैसा कि ये भी अपने नाम से जाहिर है कि इसका एक सेल जो है सिलिकॉन के बहुत सारे क्रिस्टल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल आमतौर पर नीले रंग का होता है या कहीं कहीं इसमें दूसरे रंग की लहरें या धब्बे भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पॉलीक्रिस्टलाइन के प्रोडक्शन की तो ये मोनोक्रिस्टलाइन की निस्बत थोड़ी सी कम बिजली पैदा करता है, जो क्रिस्टल मोनोलाइन की निस्बत थोड़ी सी कम या इसके बराबर इसकी कीमत हो सकती है। दोस्तों, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल कम हसास होते हैं और मोनो इसकी लाइन की निस्बत गर्मी की शिद्दत को भी ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। सोलर पैनल आमतौर पर तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है सही काम करता है, लेकिन अगर ये सोलर पैनल के लिए दर्जा हरारत पैमाइश जो है बहरहाल मुख्तलिफ हो सकती है। मोनोक्रिस्टलाइन की इस तरह की पॉलीक्रिस्टलाइन का भी एक वक्त में कुछ हिस्सा रोशनी में है और कुछ हिस्सा साये में हो तो ये भी खराब होने का अंदेशा होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं सोलर पैनल की तीसरी किस्म की, जिसे हम इनफ्लेम या अमारत सेल कहते हैं। यह सोलर पैनल सबसे सस्ता होता है, लेकिन इसमें गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करने की ताकत सबसे ज्यादा होती है। इस सेल का एक फायदा यह भी होता है कि मोनो और पॉलीक्रिस्टलाइन की तरह इस सेल का कुछ हिस्सा एक वक्त रोशनी में रहे और कुछ हिस्सा अंधेरे में रहे तो ये खराब नहीं होता। इसके अलावा फिल्म सोलर पैनल लचकदार होते हैं, यूं बहुत सी ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं जहां पर मोनो और पॉली इस्तेमाल नहीं होता। दोस्तों, यहां पर एक बात काबिले गौर है कि सोलर पैनल के लिए दर्जा हरारत से मुराद माहौल का दर्जा हरारत नहीं होता, बल्कि ऐसे में सोलर सेल का अपना दर्जा हरारत होता है। ये भी आप चीज जहन नशीन कर लें कि माहौल का जो दर्जा हरारत होता है वो कम होता है, लेकिन इसी माहौल के अंदर अगर आप किसी भी चीज को रख देते हैं तो इसका दर्जा हरारत ज्यादा होता है। जैसे मैं खुद अगर धूप में खड़ा रहूं और इसी धूप में पड़े हुए एक लोहे के किसी राड को अगर मैं हाथ लगाने की कोशिश करूं तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो पड़ा हुआ बहुत ज्यादा गर्म होता है। मुझसे यहाँ पर बात करते हैं कि आपने जब भी अपने घर के लिए सोलर पैनल को लेके आना है तो कौन सा सोलर पैनल आपको चाहिए।
चाहे आप लाहौर में हो, गुजरावाला में, कराची में, इस्लामाबाद या मुल्तान में, किसी भी शहर से ताल्लुक रखते हैं, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके एरिया में टेम्परेचर कितना होता है। ऐसे एरिया जहाँ पर मैदानी इलाके, जिन्हें हम कह सकते हैं कि जहाँ पर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, इन एरियाज के अंदर आपने पैनल का इंतखाब करना है। जैसा कि कराची के एरियाज अक्सरियत में गर्म होते हैं, या बलोचिस्तान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, या अगर मैं बात करूँ कि आपने पंजाब पंजाब रहते हैं, या लाहौर, गुजरांवाला, या इस तरह के जो मेन शहर हैं जिन पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और तकरीबन 8 माह मुसलसल गर्मी पड़ती है, और तकरीबन 4 माह जो है वो ठंड के होते हैं, इन एरियाज के अंदर हमने कोशिश करनी है कि पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का इंतखाब करें। अब बात करते हैं कि मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल आपने कहाँ पर लगाने हैं। ऐसे एरिया जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती हो, जैसे कि मरी के एरियाज, वहाँ पर साल के ज़्यादातर दिनों में ठंड होती है, तो वहाँ पर आप जो है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का इंतखाब करेंगे। इसी तरह पिशावर के कुछ एरियाज में ऐसे हैं जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर भी मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का इंतखाब करेंगे। अगर आपको यूं कहूँ कि आपके एरियाज का टेम्परेचर साल के ज़्यादातर दिनों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो आपने पॉली लगाना है, और अगर 25 डिग्री से कम हो तो आपने मोनो पैनल जो है लगाना है। दोस्तों, यहाँ पर सोलर पैनल की खरीदारी करते वक्त आपने इस चीज़ को ज़रूर मद्देनजर रखना है कि आप सोलर पैनल किसी कंपनी का ले रहे हैं। आप दोस्तों को यही रिकमेंडेड करूंगा कि किसी भी अच्छी कंपनी का सोलर पैनल का इंतखाब करें। वक्ती तौर पर हम सस्ती चीज़ लेते हैं जो कि साल 2 साल में ठीक चलती हैं, और बाद में जो है बड़ा मोर्का मार लिया जाता है, और कहते हैं जी फलां बंदा हमें महंगा दे रहा था, हमने मार्केट से सस्ता सोलर पैनल परचेज कर लिया है। मगर वही सस्ता सोलर पैनल जो कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग होता है, या जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट होते हैं, वो 2 साल के बाद जाके आपको अपना दिखाता है, जनाब मैं इतने में इतने ही जोगा था, मैं इतने ही काबिल था। सो आपने कोशिश करनी है कि किसी भी अच्छी कंपनी के सोलर पैनल का इस्तेमाल करना है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अच्छी कंपनी का सोलर पैनल कहाँ से मिलेगा, तो इसमें आपको कुछ कंपनीज के नाम डिस्प्ले के ऊपर भी दिखा देता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि इन कंपनीज के सोलर पैनल का इंतखाब करना है। सबसे पहले आप राइजन का सोलर पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सोलर इस्तेमाल कर सकते हैं कैनेडियन सोलर, फोनो सोलर, ए पावर, ए सोलर, ये जितने भी ब्रांड्स हैं आपको बता रहा हूँ, आप इनमें से किसी भी एक ब्रांड्स को चूज कर सकते हैं। ये सारे एयरबन सोलर पैनल, या जिसे हम एक रेड सोलर पैनल कहते हैं, ये वो वाले सोलर पैनल है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह मजीद इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।